नमस्कार एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं आरपीएससी एई के बारे में। तो देखो, आप सभी को पता है आरपीएससी एई का जो पेपर है, एग्जाम कैलेंडर के अनुसार अगर मैं बात करूं तो सितंबर में आप लोगों का यहां पर जो है एग्जाम आप लोगों का लगने वाला है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहां पर पहले से ही थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छी कर लें, क्योंकि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों ही पार्ट की वहां पर बहुत ही अच्छी खासी इंपॉर्टेंस आप लोगों की यहां पर होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर देखो, आरपीएससी के अंदर सब्जेक्ट वाइज वेटेज किस तरह से रहता है, पिछला पैटर्न कैसा था, जिस हिसाब से हम लोग अगर तैयारी करना चालू करेंगे तो हम यहाँ पर जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से आज प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि टाइम अभी बचा हुआ है काफी सारा, है ना। देखो, अगले साल सितंबर में आप लोगों की एग्जाम लगनी है, लेकिन हम डिस्कस तो कर ही लेते हैं आरपीएससी के बारे में। चलो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखो राजस्थान में अभी तक जो एग्जाम हुए ना उनके बारे में बात करें, जैसे कि डीएलबी का हुआ है ना, डीएलबी एई हुआ है। प्रीलिम्स की बात करूंगा, ये आप लोग के आरपीएससी का जो एई लगा था उसके प्रीलिम्स की बात करेंगे, उसकी मेंस की बात करेंगे, और एक और एग्जाम लगा था रिसेंटली वो था आपका डीएलबी एई का, है ना। तो इनमें किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए वो हम लोग यहाँ पर जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स, देखो तो एफएम के अंदर अगर मैं बात करूं तो एफएम के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि देखो 2013 में आए कितने, 9। अगर मैं बात करूं यहां पर 2018 में 7, है ना, ठीक है। अब डीएलबी एई में देखो तो 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से देख लो, सोम की बात करें तो 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, यानी कि अच्छा खासा इंपॉर्टेंस आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। आरसीसी, देखो आरसीसी के बारे में बात करूं ना तो आरसीसी जो है फेवरेट सब्जेक्ट है राजस्थान वालों का, ये मान के चल लो आप, है ना। आरसीसी बहुत आता है, आरसीसी देखो आप लोग यहां पर देख सकते हैं 2013 में भी अच्छा था, अच्छा खासा था, 2018 में भी अच्छा खासा था, और आप लोग एई डीएलबी की बात करेंगे तो इसमें भी देखो आरसीसी आपको अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलेगा, है ना। तो जनरली किसी भी एग्जाम में आप लोग की ज्यादा नहीं आती है, और आती है तो बिल्कुल बेसिक बेसिक वाली पूछती है, और यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह के सवाल आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं, ठीक है। डीएसएस की बात करूं यानी कि स्टील की बात करूं तो स्टील के अंदर आप लोग देख सकते हैं 8 क्वेश्चन है, 6 है, और यहाँ पर भी आप लोग देखो तो एई के अंदर भी आप लोग यहाँ पर 8 है ना। सोई की बात करें, सोई अच्छी खासी आती है 11, 12, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एई के अंदर भी 11, ठीक है। देखो सोई तो हर जगह ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये तो सर्विंग की बात करें, सर्विंग से भी अच्छे खासे सवाल आपके यहाँ पर पिछले कुछ एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। इसके बाद बात करें बाकी के बच्चे हुए सब्जेक्ट्स, वो भी देख सकते हो आप लोग। हाईवे के आप लोग देखो तो 10-11 सवाल आप लोग के एवरेज चलते हैं, एई डीएलबी ई में भी आप लोग के 8 क्वेश्चन थे। इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन कम थी कंपेरेटिवली बात करें, लेकिन रिसेंटली क्या है इरिगेशन से अच्छे खासे सवाल बनने लग गए, तो आप लोग इसको आप लोग यहाँ पर इग्नोर मत करके चलना, है ना। अगली बात करते हैं एनवायरमेंटल की, एनवायरमेंटल से अच्छे सवाल हमेशा ही रहते हैं, एनवायरमेंट के अंदर आप बात करेंगे तो अच्छे खासे सवाल आपको हमेशा ही देखने को मिलेंगे राजस्थान वाले एग्जाम्स के अंदर। बीएमसी एज यूजुअल हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, आपको पढ़नी पड़ती है। हाइड्रोलॉजी देख लो आप लोग यहाँ पर, ये इरिगेशन के अंदर ही आप लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इरिगेशन का भी वेटेज आप लोग मान के चल रहे हैं तो 5 से 6 नंबर का आप लोग मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अगर मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहली बात करें तो आरसीसी, डीएसएस, सोइल, है ना, याद रखना आरसीसी, डीएसएस, सोइल, सर्वे, और साथ ही साथ ही बात करें तो एनवायरमेंट और हाईवे, है ना। तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, ये 6-7 सब्जेक्ट आप लोग के यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप लोग के यहीं से देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये 6 से 7 सब्जेक्ट्स हैं, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर प्रिपेयर करते हुए जाना, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं आप लोगों को एक और न्यूज दे देता हूँ, ठीक है। देखो अब आप लोग यहाँ पर देख लो, न्यूज आ रही है आप लोग की विद्युत विभाग की तरफ से, राजस्थान वालों के लिए अच्छी न्यूज है। न्यूज ये है कि देखो विद्युत विभाग में भी 1100 पदों पर आप लोगों की भर्ती होगी, जिसके अंदर इन्होंने बोल दिया है कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आप लोगों की यहाँ पर आने वाली है ना। देखो विद्युत विभाग में अलग से आती है, पहले बता देता हूं मैं आप लोगों को ना, एक जेई जो है आप लोगों का फरवरी में लगना है वो अलग है, ये अलग आप लोगों की नई पोस्ट आ रही है। तो राजस्थान वालों की इस बार हो सकता है कि बल्ले बल्ले हो जाए, तो आप लोग यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम मन लगा के आप लोग यहाँ पर तैयारी करना चालू कर दें। फिलहाल देखो अभी दिवाली का सीजन है तो डिस्काउंट चले हुए हैं, तो अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोग इस पर्टिकुलर कूपन से आप लोग यहाँ पर मिल सकता है आप लोगों को। आप लोग हमारे स्टेट एई वाले जितने भी आप लोग यहाँ पर कोर्सेज हैं, जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेट एई जेई की, है ना, आप लोग यहाँ पर स्टेट एई वाला हमारा यहाँ पर कोर्स जो है वो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर आप लोग यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, उसके लिए आप लोग बस चैनल पर बने रहना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।